नमस्कार साथियों, सिटी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में 35,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती हो, इसकी मांग तेज हो गई है। जी हाँ, इसके संदर्भ में छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। हम पूरे विस्तार से इस पर बात करेंगे। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर शो हो रहा है, कला संकाय डीएड एवं बीएड प्रशिक्षित कल्याण संघ छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके देख सकते हैं 12/7/2023 की है। क्योंकि ये जो ज्ञापन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मांग पत्र है, एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें 35,000 पदों पर भर्ती हो। विषय देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में अर्थात दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों में भर्ती के संबंध में। महोदय जी, आपको ज्ञात हो कि मार्च में विधानसभा सत्र के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 70,000 शिक्षकों के पद रिक्त है एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सूची में छत्तीसगढ़ की शिक्षा गुणवत्ता पूरे राज्य में अंतिम पायदान पर है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षकों की रिक्त पदों को भरने के लिए वर्तमान में सरगुजा एवं बस्तर संभाग में 12,479 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, जो कि सराहनीय है। महोदय जी, आपको ज्ञात हो कि मैदानी इलाकों में भी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में भी शिक्षकों की अत्यंत कमी है। इसलिए महोदय जी, हम छत्तीसगढ़ के समस्त अभ्यर्थी आपसे निवेदन करते हैं कि इस कमी को दूर करने के लिए एवं पूरे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने हेतु छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग में भी रिक्त शिक्षकों की रिक्त पदों को शीघ्र 35,000 पदों पर भर्ती करने की कृपा करें। देख सकते हैं, कला संकाय प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड कल्याण संघ के माध्यम से ये जो ज्ञापन है वह सौंपा गया है। और ज्ञापन किसको दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर श्री टीएससी देव, जो कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री टीएससी देव को ये जो ज्ञापन है सौंपा गया है। तो साथियों, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जितने भी बेरोजगार साथी हैं उनके द्वारा लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। और ये जो शिक्षक भर्ती की मांग है रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के इलाकों में मांग की जा रही है। और इस मांग को शासन को वास्तव में सोचना होगा, क्योंकि जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है केंद्रीय रिपोर्ट के आधार पर, साथ ही साथ 2000 जो है स्कूल ऐसे है जो कि प्रदेश में एकल शिक्षकी हो गया है। इसका सीधा उदाहरण जांजगीर चांपा जिले की मैं बता दूँ तो बहुत सारे शिक्षकों को एकल शिक्षकी स्कूलों में भेजा गया है। अगर एक शिक्षक है वो अगर छुट्टी लेता है तो उस दिन पूरे छुट्टी हो जाती है बच्चों की, क्योंकि अतिरिक्त शिक्षक है नहीं। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना शिक्षकों को करना पड़ रहा है। तो इसको संज्ञान लेते हुए शासन को भी अब निर्णय लेना होगा कि रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में भी शिक्षकों की भर्ती निकालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं भाई, बिल्कुल सब्सक्राइब करें, मिलकर काम करेंगे। शासन प्रशासन तक हमारी वीडियो जरूर पहुँचाने, ताकि उनको भी ये संज्ञान में उनका आ जाए और वे अतिशीघ्र कुछ न कुछ जो है कार्यवाही रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के साथियों के लिए करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।